स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। दिल्ली में करोल बाग के होटल स्वाति डिलक्स में पटेल नगर सीपीई स्टडी सर्कल एनआईआरसी ऑफ आईसीएआई ने एक सेमिनार का आयोजन कराया। सेमिनार में जहां पहले जीएसटी बिल में हो रहे नए डेवलपमेंट पर सीए रोहित वासवानी ने अपने विचार रखे, तो वहीं ई असेसमेंट पर हो रहे नए डेवलपमेंट पर अधिवक्ता कपिल गोयल ने अपनी बातें कही। इसके साथ ही कई चार्टर्ड अकाउंट इनकम टैक्स प्रोफेशनल इस सेमिनार का हिस्सा रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सीएएमएम भसीन का विशेष योगदान रहा। आइए देखते हैं सेमिनार में वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। That he's a name actor and he has given these salesmen to such and such parties and income tax officer finds that those sale bills issued by this person is reflected in the purchase account, then of course, because it is equally settled law that the belief may not be a conclusive belief. But then, what is to be seen and that is still by the court? Is that whether there was any material or not? What is material? Material has to be more than mere gossip, humor or hunch. It should not be gossip. It should not be humor. It should not be humor. It should not be hunch. If there is a material which is more than mere gossip, humor or hunch, which leads to the belief of a person of an ordinary prudence, That is a test. A person of an ordinary prudence, after reading this, how would he react? What would his conscience say? Uski jo atma hai ki hum kis tarah ke cases ko scrutiny mein lenge. Aur based upon that criteria scrutiny mein lete hain. Kai baar usme jo criteria nahi bhi hota hai usme bhi par le lete hain. तो प्रश्न ये होगा कि क्या इस तरह की गाइडलाइंस, इस तरह की इंस्ट्रक्शन, इस तरह के सर्कुलर के अलावा भी यदि कोई केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट किया गया है, तो क्या सिलेक्शन ऑफ ए केस इन स्क्रूटनी कैन गिव ए रीजन फॉर एन एसएससी टू फील अग्रीव्ड? हाँ, असेसमेंट खराब हुआ, देन ऑफ कोर्स ही कैन फाइल अपील बिकॉज ही इज अग्रीव्ड, बट किसी का केस स्क्रूटनी में ही सेलेक्ट हुआ, क्या इस वजह से भी किसी को कॉज ऑफ एक्शन मिलता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न था। धीरे धीरे कोर्ट्स ने एसएससी की तरफ कहना शुरू कर दिया कि हाँ, इवन द सिलेक्शन ऑफ ए केस इन स्क्रूटनी इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ एक्शन, इट इज ऑल्सो ए प्रेजुडिस। इफ इट इज अ प्रेजुडिस, मुझे याद है आप देखते हो हर साल स्क्रूटनी गाइडलाइन आती है, सरकार चीफ कमिश्नर्स की मीटिंग में अपील की उसकी, जो पहला सीपीआईओ होता है उसे रिजेक्ट कर दिया। सीपीआईओ के ऑर्डर के केस पे सीआईसी गए, सीआईसी ने मना कर दिया और बोलते सब इट एंडेंजर्स द नेशनल सिक्योरिटी। मतलब यू सी द हाइट ऑफ इमेजिनेशन। मैंने कहा बिकॉज द कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इवन द सिलेक्शन ऑफ ए केस कैन गिव मी ए सेंस ऑफ मनी, इट कैन बी रीजन फॉर प्रेजुडिस अगेंस्ट मी, एंड कोर्ट्स हैव सेड that I am entitled to challenge even the action of an income tax officer to select my case as scrutiny. Now if guideline is not there, how would I come to know? And if I do not know, how would I exercise that right? Since my right is infringed, therefore they are duty bound to disclose the reason. He was not amused. He was not impressed. Somehow direct tax is directed to disclose. Now after that they did not, and unfortunately they did not challenge this order. Till that stage the government was fighting tooth and nail. Once this decision of a Lalit Singh judge came,
They even did not bother to file a letter stating that they do not believe in it. They accepted the transfer. And therefore, whenever every year those guidelines come, the government boldly mentions that these guidelines are being published in pursuance to the decision of the Delhi High Court in Joginder Pal Gulati versus the Union of. जेपी गुलाटी लिखते थे वो मुझे भी उसने मालूम पड़ा था जब उन्होंने कहा कि अपने अपील फाइल किया था तभी फाइल किया तभी ये दो साल से गाइडलाइन पब्लिश होने शुरू हुई है तीन मैनुअल सिलेक्शन के अंदर हाँ कुछ ऐसा सी तो कह रहा था हमारे वकील नहीं करवा दिया ऐसा कहते थे सर आप ना उस केस में कभी कभी क्या होता है कि आप बोल सकते हो उसको जो सीआईडी ने अगर ऊपर अप्रूवल दिया है तब उसको कह सकते हो कि अब आज ही जरा मिल लीजिए उनके पास नहीं कहते चलो एडिशनल कमिश्नर के स्टाफ के पास चले जाओ वो आपका केस री ओपन करने ही कह रहे हैं कुछ कमियां हैं इसमें वो पूरी कर दीजिए क्या करना चाहिए उस केस में री ओपन होने दो मतलब मुझे इस तरह की चीजें मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये सस्पेंड कैसे चलेगा ये सस्पेंड इंटरफेस क्योंकि ऑफ द लीगल बैकअप ऑफ ये सस्पेंड मेमोरेंडम ऑफ द फाइनेंस बिल सेट That by eliminating the interface between the SSE and the SS and the income tax office, SSM office. Interface between compliance with the मगर सर तो कर दी मैं तो मिले बगैर compliance main compliance for that matter the language used on the boards other things please क्या कुछ उसको ये वो बता के बोल दिया कि पहले तेरे पूरी इतना बंटा जो भी होगा बाप हम देंगे वहाँ लिखा है कि सर यदि कोई ऑफिसर आपसे घूस मांगता है वो मांगता ही नहीं हम जबरदस्ती दे आते हैं शिकायत कहाँ से करें ये तो वैसा वाला काम कर रहा है वो तो वैसा वाला काम कर रहा है ये बता दो यस्टरडे में यस्टरडे आई वाज गोइंग टू चंडीगढ़ माय वाइफ आल्सो सेंट मी आई वाज रीडिंग द फाइल शी वाज स्लीपिंग आई वाज I read one of when I travel, I take out those files which are not of immediate respect. We have filed one from there, especially petition to Supreme Court, and counter was filed by the department. Supreme Court has chopped it. मैंने अपने जमीन की रिस्पेक्ट में बताया किया क्या है उत्तर रेक्टर ने शॉर्ट में बात किया सेम और मंत्री विदाउट राइटिंग रेक्टिफिकेशन मुझे सेकंड अपील कर बहुत बड़े तो कमाल की फर्स्ट गाइडलाइन That the such cases will not be done in ESS. All other cases may be done in e-assessment board. Therefore, the case still. It's good. Because if the department does the assessment, the back end of the litigation is always good. So, certain exceptions have been carved out where manual proceeding will take place. The first situation which has been carved out as an exception is where the books of accounts or the documents will be examined. So, if an assessment officer wants to examine the books of accounts or the document, then it will be through interface, manually. The second, if an assessment officer wants to invoke If an SSE wants to insist that he has to be heard in any judicial proceedings, that personal hearing can never be refused. I always used to wonder before these instructions came, because I mean, Lord, otherwise the next plain form does not provide as to these exceptions have been carved out, and e-assessments. Let us see, is the beginning. There are several doubts as to how the things would proceed, but let us keep our fingers crossed because such kind of apprehensions were there when the department wanted to digitize everything. Like when but it will take time. It's the initial years. There will be initial hiccups, and before the dust is settled down, it will take some time. But I think this will be good.
पर सर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने में क्या बहुत मुश्किल आएगी अपील्स में, बोलेगा ये नहीं दिए वो नहीं दिए, नहीं बात भी आती है आपको, यू हैव टू जस्टिफाई एज टू व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम एडिटिंग दिस डॉक्यूमेंट टू द असेसमेंट स्टेट। तो ईमेल डॉक्यूमेंट्स दिए ही पता नहीं कौन से हैं और एक्चुअल में ऑर्डर पूछा आएगा ऐसे, तो हाउ कैन यू से व्हाटएवर यू हैव अदर व्हाट यू वांट टू से यू वांट टू डिस्काउंट द वेरी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम व्हाटएवर यू वुड अपलोड I mean that alone would reach to the assessing officer. It would be something else would reach. And you have to maintain a record. This is a problem. What are we doing? Where are we doing assessment? How many times have you done this? 20-21. This assessment in Delhi? Okay. Without you have not gone at all. And we have to go in all cases. Okay. But I have to take my laptop. I have to explain how to open it. What to do. That's the जाली वाली लिफ्ट होती थी, उस लिफ्ट वाले को भी दिया होता है उसी पर आ रहा है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मेल भी भेज देते हैं, आपको कॉपी भेज दो बट अपलोड नहीं करना है। दोनों एस एस सी के पास भी है, मेरे पास consideration on that basis the case is selected in तो जो रिटर्न फॉर्म है उसमें जो हेड्स है वो ज्यादा नहीं है, अदर एक्सपेंसेस तो क्लब करने पड़ते हैं, मैनुअल फॉर्म नहीं है, पर कुछ जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उन लोग से लगा अदर के अंदर जो डिटेल वहां आ जाती है। आई हैव टू गो टू द बोर्ड, वहां जाकर मैं मुझे सीधा रमन लगती है, इट वाज मुझे पूरी प्लीज टर्मिनल पेज दैट ऑन माय साइड लाइक मोर डॉग ऑन द ऑफिशियल डॉग एंटिटी ऐसा मेरे को गाली भी डालते हो तो मेरे नाम से गाली डॉग तो ऐसे करो जो 2006 में अलग थी और जो आज है बहुत सारे प्रोसेसेस में बहुत कुछ कमी नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर गुप्ता हैं, हम लोग पटेल नगर स्टडी सर्कल से बोल रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, आज ई असेसमेंट पर उन्होंने हमारे ज्ञानवर्धन किया, मैं अब इनसे पूछता हूँ कि ई असेसमेंट के बारे में आम जन साधारण पब्लिक को क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बताएं। सरकार ने मेरा नाम राकेश गुप्ता है, मैं टैक्स में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। जो ई असेसमेंट इनकम टैक्स में जो लाया गया है, सरकार की ये मंशा है कि इनकम टैक्स असेसमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रहे और लेकिन इंटरफेस ना रहे, और इंटरफेस ना होने से जो भी इंटरफेस को लेके जो कंसर्न्स थे वो एड्रेस हो जाए। तो ई असेसमेंट में अब ईमेल के द्वारा नोटिसेज आएंगे एसएससी को या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वकील हैं, उनको, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ईमेल के पर ही जवाब दिए जाएंगे, ईमेल पर ही स्कैन के द्वारा डॉक्यूमेंट भेजे जाएंगे और ईमेल पर ही इंटरनेट के माध्यम से ईमेल पर ही असेसमेंट ऑर्डर पास होकर एसएससी को मिल जाया करेगा। कुछ अपवाद रखे गए हैं कि जहां इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी खातों की जांच करना चाहेगा वहां पर वो आपको बुलाकर खातों की जांच कर सकता है, अदरवाइज़ ये एक इंटरफेस लेस ये मैकेनिज़्म इस बार आया है और देखिए बहुत स्वागत योग्य कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की जो ये मंशा है कि इंटरफेस एसएससी का और डिपार्टमेंट का कम हो जाए और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी एक अच्छा कदम है।